तो गाइस, जब मैंने आपको आपके लिए एक शॉर्टलिंग का स्क्रिप्ट दिया था कि जो भी गाइस टेम्पलेट जो सिप्लिंग का टेम्पलेट परचेस किया होगे, तो मैंने उसको जो एक शॉर्टलिंग का स्क्रिप्ट दिया हो तो उसको कैसे सेटअप करोगे। और भाई जो भी गाइस नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ये वाला स्क्रिप्ट आपको भी मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखो और डाउनलोड लिंक नीचे है जो स्क्रिप्ट का लिंक, तो सेटअप करने के लिए आपको फुल वीडियो देखने मिलेगा। ओके, मतलब सेटअप करने के लिए, तो सेटअप करने क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं आपको शॉर्ट लिंक दिखा देता हूँ जो कैसे काम करता है। बिल्कुल वर्किंग है, हाँ क्या देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे सेटअप करते हैं। और जो भी मैंने आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो यहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शॉर्ट लिंक, जो डोमेन और एक एपीआई, ठीक है। तो एपीआई और शॉर्ट लिंक के लिए आपको जाना पड़ेगा फायरबेस में, console.firebase। ओके, तो यहीं पे कोई भी एक पोस्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। माई प्रोजेक्ट मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो इसको क्रिएट होने दो। तो जब तक हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका ओआरजी सेपलिंग चाहिए तो मतलब ऑर्गेनिक क्लिक आएगा उसमें, जो 100% गूगल से ट्रैफिक आएगा, तो वो वाला स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे सबसे नीचे उसमें आ जाना और डायनेमिक लिंक पे आ जाना। तो ये एक ऐप क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो प्रोजेक्ट पे आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, एक ऐप क्रिएट कर लो। तो अब आकर आपका जो ऐप है वेब के लिए, वही वेब कर सकते हो। ओके, तो मैं वही वेब कर लेता हूँ, माय शॉप कुछ भी उठ रहा है तो उठने दो। ऐसे मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। तो देख लो आपको सब कुछ ए पी मिल रहा है, एपीआई, तो एपीआई को इसको कॉपी कर लो और एपीआई आ जाओ, एपीआई को एपीआई सेटअप कर दो। ओके, इसके बाद और एक चाहिए डोमेन, तो डोमेन के लिए आपको एपीआई सबसे नीचे वाला ऑप्शन में आ जाना और डायनेमिक लिंक में क्लिक करना। ओके, अभी भी ऐप में क्लिक नहीं होगा, डायनेमिक लिंक्स। अब ऐप ही क्रिएट करना पड़ेगा, वही वेब नहीं होगा शायद, वही वेब नहीं होगा। ओके, तो मैं एक ऐप क्रिएट कर देता हूँ। तो आपका जो blogspot.com उसका दे देना, तो मैं 8.8 कर लेता हूँ, इससे नहीं हो रहा है, ABC कुछ भी दे रहा हूँ। ओके, ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल छोड़ दो, बाकी कॉन्फ़िग फाइल देख सकते हो, डाउनलोड एंड कंट्रोल। नेक्स्ट कर दो, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमें, नेक्स्ट कर दो, कंटिन्यू कर दो। इसके बाद ऑल प्रोजेक्ट पर आ जाओ, एक भी डायनेमिक लिंक क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन में डायनेमिक लिंक है, इस पर क्लिक करो, आप शायद आना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, ऑथराइजेशन है भी, इसको भी रजिस्टर कर देना, ऑथेंटिकेशन मेरे को इस पर नहीं बोला था। तो डन है, बड़ा डन है इसका, तो शायद इस बार आ जाना चाहिए। हाँ, अगेन कंटिन्यू आए करो, नहीं आए तो फिर एक डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक
पीसी कर लेता हूँ ये किसी भी। ओके कंटिन्यू, ये पीसी ऑलरेडी है। एक से पीसी कर लेता हूँ। ओके हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा देख लो, ऐसे में इसको क्या लिंक शॉर्ट करने के लिए करता हूँ कंटिन्यू नेक्स्ट। एक पे जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना, तो कॉपी करने के लिए मैं ऐसे किया हूँ, तो आ जाओ इसको पेस्ट कर दो और पीछे वाला ही काट दो। सही है। तो और एक काम करना पड़ेगा। ओके तो पहले देखता हूँ वर्किंग है कि नहीं। देख सकते हो, तो ये वाला लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ। वर्किंग है 100% एंड पेस्ट। वेल डन। देखो लिंक ओपन होगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और जो भी भाई सेटअप करना नहीं आता तो देख लिया तो सही बात है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो देखोगे, मेरे ऐसे भी हिंदी ख़राब है। ओके हिंदी बोलने में दिक्कत आता है। ओके मेरे को हिंदी नहीं आती। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो शॉर्ट लिंक कैसे बना, तो वो वाला वीडियो मैंने लेके आ गया। ओके तो मेरा उसका डिमांड ख़त्म है, मतलब शॉर्ट लिंक का कैसे क्रिएट करूँ उसका डिमांड ख़त्म है। और नीचे डाउनलोड लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो।